अब खबर धार से है, जहां भोशाला में एसआई का सर्वे जारी है। एसआई सर्वे का आज 93वां दिन है। शुक्रवार को सर्वे के दौरान मिली सनातनी आकृतियां, खुदाई के दौरान मिले दो और सबूत, कृष्ण की मूर्ति के पास दो और अवशेष बरामद हुए। अब तक छोटे बड़े कुल 1100 अवशेष मिल चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भोशाला में एसआई सर्वे लगातार जारी है, 93वें दिन भी एसआई का सर्वे लगातार जारी है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच एएसआई सर्वे जारी है। सुबह से ही एएसआई की टीम यहाँ पहुंच गई। शुक्रवार को सर्वे के दौरान सनातनी आकृतियां मिली थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रेणु अग्रवाल लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेणु, आज 93वां दिन है, क्या कुछ खास? और अगर इससे पहले की बात की जाए तो कई आकृतियां बरामद हुई है, कई अवशेष भी सामने आए हैं, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपके पास अभी? जी, आपको बता दूं कि भोशाला परिसर में जो है अभी तक जो जितनी भी ट्रेंचें खोदी गई थी उनको अब बंद कर दिया गया है, और अब केवल उत्तरी और पूर्वी भाग में जो है मिट्टी हटाने का काम जारी है। उसी दौरान जो है दो रोज पूर्व भी है जो है 3 से 4 प्रतिमाएं मिलने का दावा जो है हिंदू संगठनों के द्वारा किया गया था, जो कि याचिकाकर्ता है, वही कल फिर दो अवशेष मिले हैं। इस तरह से लगातार जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसमें मिट्टी उत्खनन के दौरान जो है सनातनी प्रतिमाएं, शिलालेख मिलने का लगातार दावा किया जा रहा है। कई मूर्तियां तो बताई जा रही है कि खंडित नहीं है, बिल्कुल पूरी पूरी की पूरी मूर्ति है, जिसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति है और भी कई मूर्तियां हैं, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है जो कि शिलालेख पर बनी हुई है। इस तरह के कई जो शिलालेख पर बने हुए पत्थर जो है जिस पर सनातनी आकृतियां होने का दावा किया जा रहा है वो मिले, और लगभग आज जो है आज 93 दिन है, और एएसआई के जो 5 अधिकारी अंदर पहुंच चुके, साथ ही 34 मजदूर भी अंदर पहुंचे हैं, और आज फिर मिट्टी उत्खनन का काम किया जाएगा। लगातार सर्वे जारी है, और इस दौरान जो 93 दिन में कई सनातनी आकृतियां प्रतिकृतियां मिलने का दावा किया गया है, कई भित्ति चित्र मिलने का दावा किया गया है। दावे में कितना दम है ये तो रिपोर्ट ही तस्वीर साफ कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेणु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।